हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक गणित। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक गणित है 10th क्लास के पाठ्यक्रम में। ये पहली प्रश्नावली है, यूनिट फर्स्ट है, पहली प्रश्नावली वैदिक गणित ही है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले वो प्रश्नावली कर रहा हूँ जो अधिक अंक की है और सार्थक नंबर आपके आ सके, साथ ही में आसानी से आप कवर कर सकूँ। ये पहले तो ये देखिए जो अंक है, अंक माध्यमिक सब बोर्ड में 4 अंक की है। अच्छा, साथ में प्रश्नों की संख्या देखिए, प्रश्नों की संख्या इसमें आएगी 3। 3 नंबर के प्रश्न, 3 प्रश्न आते हैं, वो कैसे आते हैं? एक प्रश्न आएगा 1 अंक का, दूसरा आएगा 1 अंक का और तीसरा प्रश्न आएगा इसमें 2 अंक का। 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उनका आंसर सटीक और शॉर्ट में देना पड़ेगा आपको, और जो 2 नंबर वाला प्रश्न होता है उसका आंसर विस्तार में देना होगा आपके पास। जो 2 नंबर वाले प्रश्न है ये भी लगभग तय होता है, या तो आपसे घनफल पूछेगा, क्या पूछेगा? घनफल, या आपसे क्या पूछेगा? भाग, और भाग भी कौन सी विधि द्वारा? द्वयांक विधि द्वारा। 1 नंबर की चीज़ है ये, आपके पास जो शून्य साम्य समुच्चय उसके नियम में कराऊंगा, उससे संबंधित 6 नियम है, 6 नियमों से संबंधित ये प्रश्न वहाँ से पूछ रहा है। 1 नंबर का प्रश्न आपसे या तो पूछेगा गुणा, या आपसे क्या पूछ सकता है प्रिय विद्यार्थियों? वर्ग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वर्ग ज्ञात करना। तो लगभग ये सिलेबस में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक गणित करवाने का मेरा मेन मकसद यही है, ये बिल्कुल आसान प्रश्न वाली है, आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से कवर हो जाएगी। पहले मैं जटिल प्रश्न वाली है पाठ्य पुस्तक की वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सको। प्रिय विद्यार्थियों, पहले बात करते हैं हम वर्ग की, इसके बाद करते हैं वर्ग की। अच्छा, ये वर्ग है, वर्ग ज्ञात करने के लिए 5 विधियाँ, कितनी विधियाँ हैं? 5 विधि है। अब ये 5 विधियाँ हैं वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है, 2019 तक ये 5 विधियाँ दे रखी थी, लेकिन जैसे ही 2020 का एग्ज़ाम लगेगा आपका, 2020 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन 5 विधियों में से हटाकर 1 विधि रखी है, और वो भी कौन सी आपके लिए? निकलम विधि। कौन सी विधि रखी है? निकलम विधि। अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे निकलम विधि। कौन सी विधि? निकलम विधि। बाकी विधियाँ हैं आप 9th क्लास में अध्ययन कर चुके होंगे विद्यार्थियों, नहीं किया है तो एक दिन हम एग्ज़ाम लगने के बाद स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको वर्क कंप्लीट करवा के दूंगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, निकलम विधि के बारे में बात करते हैं तो निकलम विधि में 2 विधियाँ चलती हैं, एक तो चलती है आधार विधि, एक तो कौन सी चलती है? आधार विधि, और एक चलती है उपाधार विधि। कौन सी विधि चलती है? उपाधार विधि। अभी प्रिय विद्यार्थियों, हम सार्थक चीज़ों का अध्ययन करेंगे, अनावश्यक चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे, आधार विधि और उपाधार विधि। अब प्रिय विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है, वो भी ध्यान दीजिए, आपके पास सूत्र आपको याद रखना है। जो सूत्र हमारा बहुत ईजी है, सूत्र हमारे पास क्या है? संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है? संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इसी प्रकार उपाधार विधि का भी सूत्र चलता है, उपाधार विधि का सूत्र मैं ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, उपाधार विधि का सूत्र होता है सेम यही है, थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें लिखेंगे उपाधार अंक, क्या लिखेंगे? उपाधार अंक, उपाधार अंक। फिर क्या लिखेंगे? कोष्टक संख्या, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। दोनों सूत्रों में थोड़ा सा फर्क है, इसमें क्या आता है? संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, और इसमें क्या आता है विद्यार्थियों? बस संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो ऐसे की ऐसे। साथ में क्या आएगा? एक्स्ट्रा उपाधार अंक आएगा, उपाधार अंक आएगा। अब इसमें देखो 2-3 बातें अलग अलग होती है, इसमें 2-3 हमने चीज़ों का अध्ययन करेंगे, आधार विधि और उपाधार विधि का कैसे पता चले, साथ में हम अध्ययन करेंगे कि विचलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, विचलन और आधार और उपाधार विधि के बारे में। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि वर्ग ज्ञात करते हो तो आपका घनफल भी तैयार होता है साथ में, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों घनफल और वर्ग में थोड़ा बहुत अंतर दे रखा है, और कौन सी विधि आपके घनफल की भी निकलम विधि दे रखी है, इसके अलावा कोई विधि नहीं दे रखी है आपके पास। जो निकलम विधि है उसी के अनुसार वर्ग ज्ञात करते हैं। तो पहले थोड़ी थोड़ी बातें देखिए, कि पहले तो देखो आधार उपाधार, ये पहचान करना है कि आधार उपाधार का पहचान कैसे हो। सर हमारे पास आधार उपाधार की पहचान करने का आसान तरीका है, जो संख्या 10 और 100 के आसपास आती हो तो होती है आधार में, और बाकी बच की संख्या कहलाती है उपाधार में।
देखो 10 और 100 के आसपास आ गई वो संख्या आधार में, और बाकी संख्या किसमें होगी उपाधार में। अब प्रिय विद्यार्थियों उपाधार अंक मैन है उपाधार में ही, तो उपाधार अंक उपाधार में आने के बाद उपाधार अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? उपाधार अंक ज्ञात करना। किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? यदि मान लो संख्या 20 के आसपास आती है तो 0 कटाओ, 0 कटाए बाकी कितने गया 2, तो उपाधार अंक कितना होगा 2। 30 के आसपास आई तो 3, 40 के आसपास आई तो 4, 50 के आसपास आई तो 5, यानी आप तो 0 हटाते चलिए इसी प्रकार उपाधार अंक आता जाएगा आपके पास। 60 का 6, 70 का विद्यार्थी कितना होता है 7, 80 का कितना होता है 8, 90 का कितना होता है 9। अब देखो 100 है वो आधार में, क्योंकि 10 और 100 के आसपास है वो आधार में। इसी प्रकार 200 के आसपास, किसके आसपास 200 के आसपास है। देखो 200 में 2 जीरो हटा दो कितना बच गया 2, तो कितना आ गया 2। अच्छा 300 है आपके विद्यार्थियों, 300 में कितना आ गया 3, 400 में कितना आ गया 4, और 500 में कितना आ गया 5, 500 में कितना आ गया 5। इस प्रकार हम आसानी से उपाधान अंक ज्ञात कर सकते हैं। उपाधान अंक ज्ञात करने का तरीका इतना है, समझ लीजिए 0 हटा दीजिए, 20 के आसपास कोई संख्या हो तो उसका उपाधान कितना होता है 2, 30 के हो 3, 40 के हो 4, 50 के हो 5, 60 के हो 6, 70 के हो 7, 80 के हो 8, 90 के हो 9, 200 के आसपास हो 2, 300 के आसपास हो 3, 400 के आसपास हो 4। इस प्रकार हम उपाधान अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी एक चीज़ ये उपाधान अंक ज्ञात कर लिया, एक चीज़ और है इसमें विचलन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? विचलन ज्ञात करना। विचलन का अर्थ होता है अंतर। विचलन अर्थ क्या होता है? अंतर। अब अंतर कैसे? एक छोटे सा माध्यम समझिए, आप जब पुराने व्यक्ति अर्थात हमारे दादाजी परदादाजी उनके पास बैठते हो तो वो क्या होते हैं, पढ़े लिखे थोड़े कम होते हैं, वो संख्याओं को पहचान नहीं पाते हैं। तो संख्याओं को पहचान कैसे नहीं कर पाते? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके दादाजी ने या आपके दादाजी ने कहा उसके पास 97 रुपये, कितने रुपये हैं 97, तो 97 की पहचान नहीं होगी उससे, 97 की पहचान नहीं होगी कि 97 कैसे लिखते हैं कैसे बोलते हैं उन्हें पता नहीं है। लेकिन आप उन्हें कहोगे कि दादी जी ये 100 रुपये में 3 रुपये कम है, कम के लिए चिन्ह किसका आता है? माइनस का, और कितना कम है 0, 3। एक विद्यार्थी एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि आपके पास विचलन में जो संख्या है आधार में देखा 2 जीरो आ रही है, आधार में कितनी जीरो आ रही है 2, अर्थात जो संख्या 100 के आसपास है, 100 या 100 के आसपास या 100 से ऊपर है, तो उसमें विचलन कितने का आएगा, अंक आएगा 2 अंक का। यानी जो संख्या 100 के आसपास है यानी 100 में कितनी जीरो आती है 2 जीरो, तो विचलन में कितने अंक आएगा 2 अंक का। यानी आपके पास यदि देखिए आधार 2 अंक का है तो विचलन में कितने अंक का 2 अंक का, यानी 2 जीरो है तो 2 अंक का। यदि मान लो 10 के आसपास हो, 10 से लेकर 90 तक, ऐसे समझ लीजिए आप, तो 10 से लेकर 90 तक के आसपास संख्या आती हैं उनका विचलन होगा, विचलन कितने अंक का होगा 1 अंक का, विचलन कितने अंक का होगा 1 अंक का। प्रिय विद्यार्थियों 10 से लेकर 90 तक संख्याओं का विचलन कितने अंक होता है 1 अंक का, 1 अंक मतलब इकाई से ही है। और यदि मान लो जैसी संख्या 100 100 से ऊपर चली जाती है तो इसके विचलन कितने अंक आता है 2 अंक का, अर्थात ये समझिए जिसमें 2 जीरो आती है तो विचलन कितने अंक का 2 अंक का, जिसमें 1 जीरो आती है तो विचलन कितने अंक का 1 अंक का। अब आप कहोगे कि 100 रुपये में 3 रुपये क्या है कम है, तो माइनस का 0, 3, अधिक है तो चिन्ह किसका लगाएंगे प्लस का। जैसे मैं कहूँ कि 105 है तो आप कहोगे विचलन कितना है प्लस के 0, 5, तो ये विचलन देख रहा है, विचलन का अर्थ इतना समझिए अंतर, विचलन का अर्थ क्या समझिए अंतर। बस ये दो बात मेन बातें हमारे पास, आपको क्या देखना है, एक तो विचलन, एक देखना आधार या उपाधार विधि में, इसके द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों आप जितने ज़्यादा उदाहरण निकालोगे उतनी जल्दी आसानी से ये प्रश्न समझ में आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे एग्जामिनेंट का कि 14 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 14 का वर्ग ज्ञात कीजिए, कौन सी विधि द्वारा, निकलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले विद्यार्थियों इसमें मेन मेन बातें देखो आप, पहले तो ये छांटो इसमें संख्या, संख्या आपने देखी भाई 14 है, कितनी है 14। अब आपने देखा ये आधार में, कौन सी में है आधार में, कैसे पता चला कि सर ये 10 के आसपास है, आधार कितना हुआ 10। इसके बाद आप इसमें देखोगे विचलन, क्या देखोगे इसमें विचलन, विचलन आपने देखा कि सर भाई कितना है विचलन कि 10 से 4 ज़्यादा है, 10 से 4 ज़्यादा है तो प्लस का 4, प्लस का 4 क्या हो गया विचलन। अब फिर विद्यार्थियों आधार में देखो कितनी जीरो आ रही है 1, 0, तो विचलन भी कितने अंक आएगा 1 ही अंक आएगा, 1 ही अंक आएगा। आपने देखा कि आधार में 1, 0 है तो विचलन कितने अंक का 1 अंक का। अब लगा दीजिए का सूत्र, क्योंकि आधार विधि में है तो सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र आपको याद पता होना चाहिए, सूत्र होता है संख्या, क्या सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस
विचलन कोष्टक में बंद कर दीजिए और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर ये हमारे पास सूत्र होता है। अब जैसे जैसे मान रेखा वैसे वैसे रखिए। अब देखो संख्या आपने देखी कितना है 14, प्लस की जगह है प्लस, विचलन देखा आपने कितना है चार, कोष्टक कर दिया बंद, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, विचलन कितना है चार का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर में तक कितनी बार गुणा करते हैं, दो बार, यानी चार को 400 गुणा कीजिए, इनको हल कीजिए। देखो 14 और 4 कितना हुआ 18, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, इनको दो बार गुणा किया तो 4 को 4 से गुणा किया तो 16। अब फिर विद्यार्थियों विचलन कितने अंक का आया, एक अंक का, तो इसका जोड़ा भी कितना लेना है, एक अंक ही लेना है। तो एक अंक के लिए कितना ले लिया आपने 6, बाकी कितना बच गया एक, ये एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ा 18 कितना हुआ 19, 18 कितना हुआ 19, और ये आपका क्या हुआ आंसर, यानी कितना हुआ 196। 14 का वर्ग कितना हुआ 196, वर्ग का मतलब होता है दो बार गुणा करके देख लो ये आंसर आएगा आपके पास। तो फिर विद्यार्थी कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये देखना है कि संख्या देखो पहले तो काम, दूसरा काम देखो आधार में या उपाधार में, तीसरा काम इसका देखो विचलन, देखो क्या देखो इसका विचलन। एक उदाहरण और लेता हूँ मैं, जैसे कही प्रिय विद्यार्थियों आपको कहे कि 97 कितना कहा 97, 97 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप इसमें देखो मैंने बातें छाटी इसमें पहले काम, तो आपने छाटना शुरू किया कि संख्या कितनी है 97, आधार कितना है भाई 100 के आसपास, अब देखो ये किसके आसपास है 100 के लिए कितना लगा दिया 100 लगा दिया। अब विचलन 100 में कितनी जीरो आती हैं 2 जीरो, तो विचलन कितने अंक आएगा 2 अंक का। आप देखा कि 100 में कितना कम है, माइनस का 0.3 कम है, कम के लिए चिन्ह किसका लगाते हैं माइनस का। अब हमारे पास देखा आधार में आ रही है तो सूत्र लगा दिया, अब सूत्र में मान रखे जोड़ बाकी कीजिए, आसानी से आपका आंसर आएगा। प्रिय विद्यार्थियों इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से कवर हो जाएगा आपके पास। देखो संख्या कितनी है 97, प्लस की जगह है प्लस, विचलन कोष्ठक में डाल दिए माइनस का 0.3, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, माइनस के 0.3 का होल स्क्वायर। अब मैं कुछ बात यह बता दूं, यदि आपके पास कोष्ठक में माइनस का चिन्ह हो उस पर घात सम हो, घात क्या हो सम हो, तो चिन्ह किसका बनता है प्लस का, यदि कोष्ठक में माइनस का चिन्ह हो और घात क्या हो विषम हो, घात क्या हो विषम हो, तो चिन्ह किसका बनता है प्लस का, चिन्ह किसका बनता है प्लस सॉरी माइनस का, किसका बनता है माइनस का। यदि माइनस पर विषम घात हो तो चिन्ह किसका बनेगा माइनस का, और माइनस पर घात सम हो तो चिन्ह किसका बनता है प्लस का। अब इसे हल कीजिए आप आसानी से, 297 की जगह तो 97, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 0.3 की जगह 0.3, ऑब्लिक की जगह है ऑब्लिक, स्क्वायर में तो कितने बार गुणा करते हैं दो बार गुणा किया तो माइनस को माइनस से किया तो प्लस, अच्छा 0.3 को 0.3 से गुणा किया तो कितना 0.09, यानी 3 को 3 से गुणा 3 3 9, और 2 को 0 को दो बार गुणा करते हैं 00 आ जाएगी आपके पास। अब देखो कितने जोड़े लेते हैं हम, 2-2 के जोड़े लेते हैं, फिर विद्यार्थी 2-2 का जोड़ा लेना है, ये 2 का जोड़ा ले लिया, बाकी संख्या इधर भेज दिया आपने, तो ये कितना हुआ 09, कितना हुआ 09। अच्छा 97 से आपके पास कितने गए 3, तो कितने बचे आपके पास 94, 94 00 तो 94 की जगह 94, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी बिल्कुल आसान तरीके से हम वैदिक विधि द्वारा वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैंने ये दो उदाहरण बताए आपको किसमें, आधार विधि में, कौन सी विधि में, आधार विधि में। अब मैं ले चलता हूँ आपको उपाधार विधि में। प्रिय विद्यार्थियों आधार विधि में उपाधार में थोड़ा बहुत चेंज होता है, उस चेंज को अध्ययन करेंगे और आसानी से ज्ञात करेंगे। देखिए पहले तो सूत्र में चेंज होता है, सूत्र में क्या आता है आपके पास उपाधार अंक आता है, क्या आता है आपके पास उपाधार अंक, उपाधार अंक लगेंगे, क्या लगेंगे उपाधार अंक। अब देखिए मैं एक उदाहरण लेके चलता हूँ आपके लिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों आपको पूछा है एग्जामिनर ने कि 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो पहले संख्या लिखो, क्या लिखो आप संख्या, क्योंकि हमारे जो सूत्र में फॉर्मूले हैं वो चीज़ें मैंने मैंने छाट लीजिए, संख्या कितनी है 32 है, संख्या कितनी है 32 है। साथ में आपको क्या देखना है आधार में, देखो क्या देखो इसका आधार, आपने देखा ये 30 के आसपास है, किसके आसपास है 30 के, 30 में देख लिया आधार में, अच्छा इसका देखो उपाधार अंक, क्योंकि 30 के आसपास है तो उपाधार अंक होगा, क्या होगा उपाधार अंक, यानी 10 और 100 के आसपास सो उसके लिए वो होती है आधार में, बाकी होगी उपाधार अंक। तो आपने देखा उपाधार अंक ये किसके आसपास आ रही है 30 के, 30 में कितना आता है 3, 30 में कितना आता है 3, आप बोल रहे हो कितना हो 30, तो 30 के लिए कितना हो गया 3 जीरो हटा दीजिए। अब इसका देखो विचलन, क्या देखो इसका विचलन, आपको विचलन इंपॉर्टेंट है, ये बातें बता रहा हूँ, ये सेम आप जब घनफल ज्ञात करोगे उसमें भी आवश्यकता पड़ेगी, सेम टू सेम, ये तो घनफल में ऐसे कैसे, आप विचलन देखिए, विचलन आपने देखा कितना ज़्यादा भाई 30 से 2 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा कितना ज़्यादा है 2, तो प्लस का कितना लगा दिया 2। आप देखो आप 30 में कितनी जीरो आ रही है 1 जीरो, तो एक ही अक्षर का विचलन आएगा। अब आपके पास फॉर्मूला है, सूत्र में मान
रख के हल कीजिए, आपके पास आंसर होगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं मान रख के हल करके दिखाता हूँ आपके पास। उपादान कितना है? 3। कोष्ठक की जगह है कोष्ठक। संख्या देखो कितनी है? 32। प्लस की जगह है प्लस। विचलन देखा आपने कितना आ रहा है? 2। कोष्ठक कर दिया बंद। ऑब्लिक की जगह है ऑब्लिक। आपने विचलन देखो कितना आ रहा है? 2 का होल स्क्वायर। देखो 3 की जगह तो 3, अच्छा कोष्ठक मतलब क्या होता है? गुणा। 2 जोड़े तो कितना हुआ? 34। 32 से 2 कितना हुआ? 34। ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, इसे 2 बार गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हुआ? 4। कितना हो गया आपके पास? 4। अच्छा अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 3 से गुणा करते हैं तो कितना हुआ? 3 × 12 कितना बच गया? 1। 3 × 3 9 और 1 कितना हुआ? 10। ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, 4 की जगह है 4। हम इसे कितने दो जोड़ा लेंगे? 1-1 का, क्योंकि आप देखो विचलन कितने का अंक आ रहा है? 1 अंक का, तो जोड़ा भी कितना? 1 अंक का। विचलन 2 अंक का, तो जोड़ा भी कितना अंक का? 2 अंक का। तो आपने देखो यहाँ से कितना ले लिया? 4 ले लिया। कितना ले लिया? 4। बाकी इधर क्या जोड़ेंगे? भेजेंगे हम 0। क्या भेजेंगे? 0, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 इधर भेजेंगे, 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपके पास कितना हुआ? 102। ये आपका क्या हुआ आंसर। इस प्रकार हम 32 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो वैदिक विधि ये कहती है कि बिल्कुल आसान क्रिया द्वारा हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखो 30 और 2 कितना हुआ? 32 और 2 कितना हुआ? 34। 34 को किससे गुणा किया? 3 से। 3 से गुणा किया तो 3 × 12 बच गया 1। 3 × 3 9 और 1 कितना हुआ? 10, यानी 102। और 2 को 2 से गुणा किया कितना हुआ? 4, यानी 0 हो गई, 0 इधर भेज देंगे, आंसर हो गए। इस प्रकार हम वैदिक विधि द्वारा वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और लीजिए, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ आपके लिए, बाकी और आपको निकालना है। यदि कहा आपको समस्या आती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, या कमेंट्स नहीं करना आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूंगा। साथ में प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको और कोई पर्सनल से संबंधित कोई समस्या है तो उसको पहले लूंगा मैं और उसे हल करने की कोशिश करूंगा। देखिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न लेता हूँ, पाठ्यपुस्तक का 205 आ गया, कितना आ गया? 225 वाला लेके चलता हूँ मैं। तो देखो आपने संख्या देखी 225 है, कितना है? 225। तो संख्या लिख दो 225। अच्छा अब देखो आधार, ये 200 के आसपास है, किसके आसपास है? 200 के, तो कितना आया? 220 में नहीं आएगा ये, 200 के आसपास आएगा। फिर क्योंकि देखो 100 से ऊपर चलता है तो 100, 200, 300, 400 में चलते हैं, बाकी नहीं जाएंगे आपके पास। अच्छा आप उपादान अंक देखो, 200 में आ रहा है तो कितना गया? 2। उपादान अंक कितना गया? 2। अब विचलन देखो, 200 कितना ज़्यादा है? 25 है। 25 ज़्यादा तो प्लस का 25 विचलन आया, प्लस का 25 क्या गया? इसका विचलन। अब लगाइए हमारे पास सूत्र और इसमें मान के हल कीजिए। सूत्र हमारे पास है उपादान अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थी मान रखता हूँ, हल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके पास उपादान अंक कितना आया? 2। कोष्टक की जगह है कोष्टक। संख्या कितनी है? 225। प्लस की जगह है प्लस। विचलन कितना है? 25। कोष्टक कर दिया बंद। ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक। विचलन कितना है? 25 का स्क्वायर। आगे हल करता हूँ। देखो 2 की जगह तो 2, कोष्ठक मतलब क्या होता है? गुणा। इन दोनों को जोड़ा था कितना हुआ? 250। ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक। 25 को 25 से गुणा किया तो 625। आगे मैं यहाँ हल करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों। देखो गुणा किया तो 250 कितना हुआ? 500। ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, ये कितना है? 625। प्रिय विद्यार्थियों विचलन कितने अंक आ रहा है? 2 अंक का। 2 अंक आ रहा है तो इसके भी जोड़े कितने? 2 के। तो ये 2 का जोड़ा तो ले लिया 25, ऐसे कि ऐसे 6 को इधर भेज दो तो कितना हुआ ये? 506। यह आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार वैदिक विधि द्वारा हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैंने 2-2 उदाहरण बताए, बाकी पाठ्यपुस्तक के 2-2, 3-3 प्रश्न आप निकालिए। यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।